I'm Praveena Pradhan from Sikkim, and I'm certified hair stylist from Kapil Academy. इसमें मैं इतनी पैशनेट हो गई कि मेरे को पैशन में सिक्किम से मुंबई आना पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुकून मिलता है काम लाइफ में. पता नहीं एक बार मेरा मतलब ऐसे टीन एज में जब मैं एक सैलून में गई थी फर्स्ट टाइम, वहाँ पे काम करते हुए देख वहाँ के ऑनर को देख मेरे मतलब क्या मेरे को इंस्पिरेशन हुआ उनसे. और वो जब काम कर रही थी और वो इतनी फेमस थी हमारी जगह में और वो फेमस की तरह उसको एक रेस्पेक्ट मिल रहा था, तो उसी वजह से सर एक लेडी भी इतना बिजनेस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मतलब मैं तो और भी हूँ इच्छी भी अलग. फर्स्ट बोलो तो मेरा अपना फैमिली बिजनेस दूसरे फील्ड में टूरिज्म बिजनेस में होटल्स का. तो एक दिन मेरे को वो काम में ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आता नहीं करती, बट मेरे को ये काम में मतलब इतना पैशनेट थी वो काम में मैं अच्छे से करती थी, बट ये काम पैशनेट थी. तो एक दिन मैं फ़ोन देख रही थी यूट्यूब में, ऐसे ही मैंने मतलब मन हुआ पता नहीं क्योंकि इंडियाज टॉप एकेडमी मतलब हेयर स्टाइलिंग या कुछ भी सर ऐसे करके मैंने टाइप किया था और उसमें से कपिल्स आया, जावेद हबीब से सब आई गई थी कपिल सर. तो मैंने उनका रिव्यूज़ देखना शुरू हो गया और मेरे को कपिल सर का पर्सनैलिटी इतना अच्छा आया और उनका जो वो इनकरेज कर रहे थे. और मैं एक साल ऐसे भी नहीं उससे पहले एक साल से उनका वीडियोस देखती थी हर रोज़ भी, और उनका इनकरेज इतना था कि मैं कभी कभी वो वीडियोज़ देख के रोती थी कि मतलब जेन्युइनली रोती थी मैं कि लिटरली मैं रो ही देती थी कि मतलब सर इतना मतलब इनकरेज कर रहे हैं. और मैं वो चीज़ में पैशनेट थी, ऊपर से मेरे उधर काम का प्रेशर तो था दूसरे, लेकिन मेरा मतलब अपोजिट था वो दूसरा ही काम था और मैं करना दूसरे ही चाहती थी. और वो वीडियोस देखती थी और उनका इंस्पिरेशन ये सब कुछ देखती थी तो मेरे को अच्छा लगता था और मेरे को जानना ही है, यहीं पर जाना ही है. फाइनली मेरे भाई ने सपोर्ट किया मेरे को, मतलब तो करना है तो जा एक बार देख के आए. तो सर यही उसमें आ गई जब मेरा 7 साल का अभी तो 7 साल है लास्ट ईयर, तो 6 ईयर्स का बेबी थी उसको छोड़ के मैं आई यहाँ पे पैशन के चक्कर में. क्या बोल नई चीज़ें सीखने के लिए मिली जो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मतलब जीरो थी. तो जीरो से आज मतलब 50-60 तो हो गई और मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं कर सकती हूँ कि बाद में और अच्छा भी कर सकती. और मेरे को सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी अच्छा है, मतलब ट्रेनर्स का काउंसलर्स का मतलब सबका बिहेवियर एक फैमिली लगा सर मुझे. और कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं वहाँ से अकेली हूँ, यहाँ पे सिक्किम से मैं अकेली हूँ. और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे, क्योंकि सब ऐसे फ्रेंडली थे कि सब फ्रेंड सर्कल्स ऐसे बने और एकदम फैमिलियर बना कि मेरा कोई फैमिली ही है यहाँ पे. तो इसलिए सर मैं यहाँ पे रुक पाई अकेली भी, इतना मेरे को मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि वो सब लोग अपने पैसे कमाने का तो सब जरिया बहुत कुछ होते हैं आजकल, मतलब पैसे इसमें भी बहुत अच्छे से कमा सकते हैं अपना फ्रेंड सब. उनको पैशन है तो सर ऑब्वियसली आ सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब खुश कर मतलब दूसरों को खुश रखने के साथ खुश हो सकते हैं. क्योंकि जब दूसरे की खुशी देखते हैं ना तो जेन्युइनली खुशी अंदर से आती है. दूसरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो.